हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लिसनिंग के आंसर्स लेकर आया हूं, जो आपका आज एग्जाम हुआ है। पार्ट वन में आपके वन व टू व टाइप ब्लैंक्स थे, जिनके आंसर्स हैं थर्सडे, साइड गेट, स्लीपिंग बैग, और ये नंबर था आपका 100.38, जो आपका पाउंड्स या यूरोज के रिलेटेड था। लॉफी, विंड सर्फिंग एंड रेडियो, दो आंसर मिसिंग है, आप कमेंट्स में लिख देना। सेकेंड पैसेज में आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे बी ए ए सी डी, और उसके बाद मैप जिसमें आपके आंसर्स हैं एफ सी डी ई। थर्ड पैसेज में लॉन्ग एमसीक्यूज ए सी ए डी बी, मैचिंग टाइप क्वेश्चन यानी कि 26 से 30 के आंसर नहीं पता चले थे, अगर आपको याद हो बता दीजिएगा। 31 में मदर और पैटर्न को लेकर कन्फ्यूजन थी, इसको क्लियर करना आप। लेयर्स, डेंजर, अलार्म, रोप या रोप्स, वाइल्ड, वॉक, यंग एंड लास्ट में आपका सेंसिटिव। सो इसमें भी एक आंसर मिसिंग रहेगा आपका। ये है आपके लिसनिंग मॉड्यूल के आंसर, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगे तो आप मुझे बता देना। रीडिंग के आंसर आपके लिए ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, आज के एग्जाम में वंस अगेन आपको राइटिंग टास्क 1 और 2 दोनों मेरी बुक में से ही देखने को मिले। 62 नंबर पे दोनों राइटिंग टास्क 1 और 2 साथ में प्रोवाइड कर रखे थे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी अगर आप चारों कॉन्टिन्यूस पिछले 4 अकेडमिक प्लस जीटी एग्जाम उठाकर देखें तो चारों के चारों आपको राइटिंग टास्क 1 और 2 इसी बुक में से देखने को मिले हैं। और मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में आपको खास तौर पे स्पेसिफिकली बोला था कि जो भी इस बुक में आपके राइटिंग टास्क अब बच गए हैं उसमें से ही आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 20 से 25 तो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं पिछले, अब जो बच गया है वो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। राइटिंग को लेकर मेरी कन्विक्शन पूरी है, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं वो सीधा आईडीपी के आर्काइव डेटा में से हैं, उसमें से मैंने निकाले हैं, और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से देखने को मिलेंगे। जो रीडिंग पैसेज भी इवन देखने को मिल सकता है आपको, एक आधा रीडिंग पैसेज एग्ज़ाम में देखने को मिले। सो अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे से ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। आपको तीनों बुक्स साथ में मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ्स। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉम्बो पैक मैं आपको दे दूंगा। और ये एक्चुअल एग्जाम मटेरियल है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको कैम्ब्रिज या फिर दूसरी वेबसाइट से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन मटेरियल को सॉल्व करके 6.5-7 बैंड रेगुलर बेसिस पे ले लिए तो आई कैन अश्योर यू कि आपके एग्ज़ाम में भी 7 बैंड ईजिली आ जाएंगे। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको आइल्स में मुश्किल आ रही है, आपके बैंड्स नहीं आ रहे हैं, आप मेरे ऑनलाइन बैच में एनरोल कर सकते हैं। रिजल्ट्स देखिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, इसको आप फॉलो भी करिएगा। 7.58 बैंड्स मेरे स्टूडेंट्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मैंने डाल रखे हैं 8.5, 8.8 बैंड्स रीडिंग लिसनिंग में। तो अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप जल्दी से एनरोल करिएगा। एक बैच में मैक्सिमम मैं 4 से 5 स्टूडेंट ही रखता हूँ ताकि प्रॉपर अटेंशन दी जा सके वीक एरियाज के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स लिसनिंग फॉर आइल्स, जहाँ से लिसनिंग रिपीट होती है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुकी है और आगे भी आपको आएगी, इवन एंड मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम की प्रेडिक्शन आपके लिए मैं जल्द ही बनाऊंगा, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू वेरी सून।